अगर स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का जिक्र हो तो वो राजकुमारी अमृत कौर के बिना पूरा नहीं हो सकता। कपूरथला के राजशाही परिवार में जन्मी अमृत कौर जब ऑक्सफोर्ड से पढ़कर 1918 में भारत आई थी तो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर आगे का जीवन देश को समर्पित कर दिया था। आजादी के साथ अमृत कौर ने सामाजिक मुद्दे जैसे पर्दा, बाल विवाह और देवदासी के खिलाफ आवाज उठाई। अमृत कौर को भारत छोड़ो आंदोलन में जेल हुई और जब वो जेल जा रही थी तो अपने साथ रखा था गीता, बाइबल और चरखा, जो उन्हें आजादी का रास्ता दिखा रहा था। जब देश आजाद हुआ तो भारत के कैबिनेट में वो इकलौती महिला थी। उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो संभाला। संविधान के निर्माण में जिन 15 महिलाओं का योगदान है उनमें से राजकुमारी अमृत कौर भी एक थी। उन्होंने संविधान में बराबरी, धर्मनिरपेक्षता और सभी को वोटिंग का अधिकार जैसे मूल्यों का समर्थन किया। वो भारत की हेल्थ मिनिस्टर 10 साल तक रही और उनके नेतृत्व में इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना हुई। जब टाइम्स मैगजीन ने दुनिया की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची बनाई जिन्होंने पिछली शताब्दी में दुनिया पर एक छाप छोड़ी थी तो उसमें दो भारतीय महिला शामिल थी, इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृत कौर। आज देश भारत की इस महान नेता को याद करता है। जय हिंद।